सिंदरी उपखंड के भाटा गांव में चल रही 3 दिवसीय दूधेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शिखर कलश और ध्वज दंड के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। तीसरे दिन पंडितों और यजमानों ने यज्ञ वेदी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। पूर्ण आहुति के बाद कलश और ध्वज दंड की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर शिखर मंदिर पर बने गुम्बद पर हजारों श्रद्धालुओं के समक्ष कलश और ध्वज दंड स्थापित कर ध्वज पताका फहराई गई। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई जो आकर्षण का केंद्र रही। सिंदरी से कैलाशपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। सिंदरी उपखंड के भाटा गांव में चल रही 3 दिवसीय दूधेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शिखर कलश और ध्वज दंड के साथ प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। मंदिर के महंत गोविंद वन महाराज के मुताबिक कार्यक्रम के तीसरे दिन पंडितों और यजमानों ने यज्ञ वेदी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। पूर्ण आहुति के बाद कलश और ध्वज दंड की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई और फिर मंदिर शिखर पर बने गुंबद पर हजारों श्रद्धालुओं की साक्ष में कलश और ध्वज दंड स्थापित कर ध्वज पताकाएं फहराई गई। अंत में सभी मंदिरों की सामूहिक महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई जो आकर्षण का केंद्र रही। इससे पूर्व बुधवार रात एक शाम बाबा भोलेनाथ के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान के भजन गायकों और मनोज रियान पार्टी द्वारा आकर्षक झांकियां नृत्य प्रस्तुत किया गया। भोलेनाथ की भक्ति में एक के बाद एक भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धोक लगाई और मनोकामना पूर्ति की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बड़ी संख्या में संत महात्मा भी पहुंचे। कार्यक्रम में महंत दयालगिरी महाराज, कनाना महंत पुरुषोत्तमगिरी, भाटा महंत सोमगिरी, जागसा महंत बालकवन, चौहटन महंत जगदीशपुरी, भूका महंत निर्मलदास, भवेंद्रपुरी सहित बड़ी संख्या में संत महात्माओं ने शिरकत की। वहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, रिको अध्यक्ष सुनील परिहार, सरपंच हंजाराम प्रजापत, शैतान सिंह दहिया, तगाराम हिंदू सिंह, उत्तम सिंह, पीर सिंह, शंकराराम, अर्जुन सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। मंच संचालन पृथ्वी सिंह राव एवं डूंगर सिंह चौहान ने किया।